Hello students, in this video we will be solving chapter 1 GST of class 10 and I will be following OP Malhotra book. So students, first we will understand question number 1. So what is question number 1 is saying? That Mr. Abdul, a manufacturer, sells his product worth rupees 2,25,000 within the state. He buys goods worth rupees 1,20,000 within the state. Now if the rate of GST is 12% on the raw material and 18% on the finished product, find the amount of GST he has to pay. So here in this question हम लोग को ये बोला जा रहा है बच्चों कि एक मैन्युफैक्चरर था जिसका नाम था मिस्टर अब्दुल. उसने क्या किया, उसने 2,25,000 के प्रोडक्ट्स को उसने सेल किया, ठीक है. और सेल करने के बाद उसने जो भी उसमें से उसको प्रॉफिट वो लिया, उसमें से उसने 18% का जीएसटी पे किया. तो बच्चों उसने 2,25,000 के प्रोडक्ट्स को बेचे और उसने 1,20,000 के प्रोडक्ट्स को उसने खरीदा. ओके, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस और ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस. नेक्स्ट 12% जीएसटी उसको लग रहा था रॉ मटेरियल्स पे. ओके, ही वाज पेइंग 12% जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल एंड 18% जीएसटी ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो बच्चों फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी सामान बेचा जाता है उसको बोला जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट. और उसको बेचने के लिए जो सामान खरीदा जाता है, उसको बनाने के लिए जो सामान खरीदा जाता है, उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई जूते का मैन्युफैक्चरर है और उसको जूता बनाना है, तो जूता बनाने के लिए क्या चाहिए, रबर चाहिए, कपड़ा चाहिए, लेदर चाहिए. तो ये हो गया रॉ मटेरियल्स. और जूता बन जाने के बाद जब उस जूते को बेचा जाता है, उस जूते को कहा जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट. सो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज टू पे. तो अब्दुल को कितना जीएसटी देना पड़ा ये हम लोग को निकालना है. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा कि लेट द सीपी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर अब्दुल बी रुपीज 1,20,000. रेट ऑफ जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल्स कितना था बच्चों, ये था 12%. तो इंक्लूड जीएसटी पेड बाय अब्दुल कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू 12/100. ओके, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 14,400. नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर अब्दुल विल बी हाउ मच, 2,25,000. और रेट ऑफ जीएसटी कितना है बच्चों फिनिश्ड गुड्स पे, वो है 18%. तो आउटपुट जीएसटी क्या होता है बच्चों, आउटपुट जीएसटी इज द जीएसटी received by selling an article. तो अब्दुल को कितना मिलेगा जीएसटी, कितना रिसीव करेगा वो, रुपीज 2,25,000 इंटू 18/100, दैट इज इक्वल टू रुपीज 40,500. तो अभी हम लोग को निकालना है कि अब्दुल ने कितना जीएसटी पे किया. तो जीएसटी पेड बाय अब्दुल टू गवर्नमेंट विल बी हाउ मच, विल बी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. सो आउटपुट जीएसटी इज 40,500 and input GST is 14,400, so it will be 26,100. So this is our answer. Isn't it very simple, students? Cut